बनते भी हैं, टूटते भी हैं, और अभी क्या पता कि ये भी कोई फाइनल है या नहीं है। नहीं तो इससे कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई बीजेपी पे कोई प्रभाव पड़ेगा गठबंधन पे? देखिए कोई भी पार्टी, दो पार्टियां इकट्ठी होती है कुछ ना कुछ तो असर डालते हैं वो, चाहे क्योंकि मैं इस विचारधारा का हूँ कि जो जो पार्टियां जिनका राष्ट्रीय स्वरूप है, जो पैन इंडिया पार्टी है, हमारे देश में आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को मजबूती मिलनी चाहिए कि अगर आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपने देश में मजबूत करना चाहते हो तो हमारे जो राष्ट्रीय दलों की भूमिका को ज़रूर इम्पोर्टेंट बनाना, उसकी विश्वसनीयता बढ़ानी, ये एक सबसे बड़ा काम है। गठबंधनों से आपने देखा 24 साल इस देश की मतदाता ने 1989 से लेकर 2014 तक बहुमत नहीं दिया पार्लियामेंट, और उसका परिणाम अल्टीमेटली ये हुआ कि जिस गति से विकास होना चाहिए था वो एक किस्म से रुक गया, रुकाने तो कम से कम गति ढीली पड़ गई। तो ये अब भ्रंश है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, जो रीजनल पार्टियों का उदय होना, उनकी इम्पोर्टेंस बढ़नी, मैं ये नहीं कहता रीजनल एस्पिरेशन होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे हमारा बहुत बड़ा देश है, 130 करोड़ के देश में, यानी हमारा जो सोच है वो जब तक राष्ट्रीय सोच नहीं बनेगी तब तक डेमोक्रेटिक जो सेटअप है वो मजबूत नहीं। अच्छा, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कई बातों में इशारा किया है कि जिस तरह से पूरा मैंडेट आपके पास पार्लियामेंट में उनको मिला था, निकट भविष्य में भी पूरा मैंडेट उनको मिले ताकि एक अच्छी सोच के साथ काम करें, लेकिन जिस तरह से देश में गठबंधन हो रहे हैं, बसपा सपा का गठबंधन है, इधर प्रियंका को उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से, तो क्या लगता है कि बीजेपी को आने वाले समय में मैंडेट मिलेगा? देखिए चुनावी माहौल में हर आदमी अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश करता है, और मैंने तो पिछले 47 साल में 3 ऐसे गठबंधन देखे हैं। गठबंधन का मतलब ये है कि जिस आदमी से आप मुकाबला कर रहे हो उससे एक के मुकाबले एक नहीं कर सकते, इसलिए बड़ा पहलवान है, इसको मारने के लिए कोई ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है, तो जुड़ो, ये एक प्रयास होता है, हमेशा होता है। लेकिन हमारा देश का जो मतदाता है वो समझता है कि कौन सा गठबंधन किस लिए है। फिर ये भी है कि जो गठबंधन के जो पार्टनर होते हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ईगो प्रॉब्लम है उनका अहम, और इसीलिए जो पुराने सब टूट गए थे 3 महीने 4-6 महीने चल रहे फिर आपस में लड़े, तो आज भी इसी तरह का वातावरण है कि मुझे नहीं लगता कि लोग अपने निजी स्वार्थ को त्याग के कोई गठबंधन करने की चेष्टा करता हो, सब अपना अपना एडजस्टमेंट की बात। अच्छा, प्रदेश